नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बुर्साइटिस के विषय में। बुर्साइटिस, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं, कभी इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर आपको अगर सूजन दिख रही है, यहाँ पे एलिवेटेड पोर्शन दिख रहा है, तो यह एक बुर्साइटिस की स्थिति होती है जो कभी ना कभी हम लोग फेस करते हैं, या नॉर्मली रिस्ट और पैर में, एंकल के पास होती है। यह बहुत कोई ख़तरनाक स्थिति नहीं होती है, लेकिन आप इरिटेट होते हैं अगर आपके कुछ यहाँ पे उभार ऐसा दिखे। एक कॉस्मेटिक ट्रबल भी देता है और वक्त आने पे यह आपके मोशन को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर समस्या है तो उसका निदान होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए। और इसी श्रृंखला में इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ आपके लिए हैं, जो बिना ऑपरेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके बुर्साइटिस होती है, आप डॉक्टर पास जाते हो तो वो FNAC करके नीडल से उसको फ्लूइड को निकाल देता है। लेकिन उससे वाइस बात यह है कि इसको होम्योपैथी से ठीक कर दिया जाए, ये दोबारा हो ही ना। अपने जो ये रिस्ट होती है या कोई भी जॉइंट होता है, उसके बीच में फ्लूइड फिल सैक्स होते हैं, जो कार्टिलेज, बोन और मसल के बीच में कुशन का काम करते हैं। वक्त के साथ क्या होता है कि इन पे प्रेशर पड़ता है, इन पे जोर पड़ता है, या जो सैक्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसी को बुर्साइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स, साथियों, सिम्टम्स आप सब जानते हैं। जब भी आपको उभार लगे और आपके हाथ का रेस्ट्रिक्शन, जो कि शुरू में नहीं होता लेकिन थोड़ा सा पेनफुल हो, और आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन लगे, तो वही बुर्साइटिस होता है, आपके जॉइंट्स के बीच में होता है। यही इसका सिम्टम है मेन, जो आपको यह उभार दिखे। कॉज, जब भी रिपीटिटिव एक्शंस होते हैं साथियों, जब आपके बुर्सा पे जोर पड़ता है, जब जोर पड़ता है जॉइंट पर, तो यह स्वेल कर जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, या जो फ्लूइड फिल सैक्स होते हैं आपके बोन और मसल के बीच में, जो कुशन का काम करते हैं, तो वही जब इन्फ्लेम हो जाते हैं तो उनको उसी स्थिति को ब्रुसाइटिस कहते हैं। और जो रेपिटेटिव एक्शन होते हैं वही ब्रुसाइटिस का कॉज होते हैं। हम आपको बताएंगे साथियों ब्रुसाइटिस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो आपको FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से बचा लेंगी, इसकी संभावना है। लेकिन हम फिर कहेंगे, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम इफेक्ट हर व्यक्ति पर भिन्न होते हैं। बताते हैं साथियों आपको बुर्साइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। साथियों, आपके जो रिस्ट में बुर्साइटिस हो जाता है, जब ये सूजन यहाँ पे आ जाती है, आपको बड़ा इरिटेटिंग लगता है, आप कड़ा नहीं पहन पाते और आप घड़ी नहीं पहन पाते हो, उस स्थिति से निकालने की होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवाएं हैं। यह दवाएं जो आपको इस समस्या से निकाल देंगी, बिना आपका FNAC करे, बिना आपके फ्लूइड को इजेक्ट करे, आपके बुर्साइटिस को हमेशा के लिए ठीक कर देंगी, बुर्सा को ख़त्म कर देंगी। यह 3 दवाएं साथियों, पहली दवा है रूटा जी, दूसरी दवा है एसिड बेंजोइकम, और तीसरी दवा है हेक्ला लावा। आप इन 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आप देखेंगे आपके यहाँ पे जो बुर्सा बनती है यह अपने आप डिजॉल्व होने लगेगी। 3-6 महीने लगेंगे लेकिन वह डिजॉल्व होगी। रूटा जी आपको 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। एसिड बेंजोइकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। और हेक्ला लावा 3x पावर में 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। यह करीब 3-6 महीना लीजिए और आप देखेंगे कि आपके यह ख़त्म हो गए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप कोई घड़ी या कड़ा उस हाथ में ना पहनिएगा जहाँ पे बुर्सा स्वेल करी हो, क्योंकि बार बार जब उस पे वो ठेस लगेगी तो यह बढ़ सकती है और शायद दवा भी कारगर ना हो। तो यह साथियों दवा थी आपके जो रिस्ट बुर्साइटिस है उसको ख़त्म करने की। तमाम कारण हो सकते हैं साथियों बुर्साइटिस के और भी, इसलिए कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। लेकिन यह जानकारी के लिए आपके दवा थी, ताकि होम्योपैथी आपके करीब आए। होम्योपैथी जो कुछ लोग एक रहस्य बनाए, उस रहस्य का मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने ये दवाएं लाया हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दे सकें। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन पैनल में नीचे, इस वीडियो के नीचे, उस पे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको
संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारा साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।